बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आ गए नीचे हैं? मैंने टर्की के बच्चे को ऐसे लटाया और इसके रिएक्शन चेक करें इसके बाप के। ये दोनों अग्रेसिव हो के ना, अंडे इनके नीचे हैं और दो अंडे इसके नीचे हैं। तकरीबन तो मैंने आधा पौना घंटा वहां पे बैठ के वेट किया। जनसा ये आके बैठे होते हैं पे बड़ा गुस्सा आता है। ये देखे, ये चेक करें, ये फीमेल है। वेलकम टू आवर पेट सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैर खैरियत से हैं और माशाल्लाह से हमारे सारे जानवर भी खैर खैरियत से हैं। कल आपने वीडियो को बहुत लाइक किया, पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। आप टाइम देते हो, वीडियो पसंद करते हो, लाइक करते हो। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कल की कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही कहानियाँ आगे भी मज़ीद अगर शेयर करूँ तो वो भी कमेंट्स में बताएँ कैसी कहानियाँ मज़ीद आप सुनना चाहते हैं अच्छी अच्छी, तो वो भी ज़रूर आप रिप्लाई कीजिएगा। तो ऐसे ही कल बैठे बैठे मैंने सुनी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मेरा अंदाज़े बयां शायद उतना अच्छा नहीं था। पहले मैंने यही सोचा था कि मैं ख़ुद आपको जुनसा ना वो सुनाऊँ सारी कहानी, तो जो मज़ा उसको सुनने का आया था वो मैंने कहा शायद मुझसे खुद उस तरह से नहीं बोला जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने वो वॉइस जो सी है वो वाली लगाई। तो आप सब ने बड़ी पसंद की, उसका बहुत शुक्रिया। ऐसा ही आगे सपोर्ट करते रहे, पसंद करते रहे, और आपकी सपोर्ट और आपके तावन से और आपकी इस लाइक और शेयर करने से ही ये चैनल ग्रो करेगा, और चैनल ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते, अंदर चलते हैं और अंदर की अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हवा चल नहीं रही तो बैठना ऊपर छत पे मुश्किल होता है। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको अंदर की डिटेल अपडेट करते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मज़ीद इस तरह से कहानियाँ सुनना चाह रहे हैं, तो मैं मज़ीद इंशाल्लाह ताला कहानियाँ जो उनसी है ना वो अपडेट करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको खुद जो उनसी है ना वो कहानी सुनाने की कोशिश करूँ। तो आप अंदर चलते हैं और अंदर की सूरत हाल लेते हैं, आ जाए। अब अंदर चलते हैं और अंदर की सूरत हाल आपको बताते हैं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा धूप थी और आज भी बहुत ज़्यादा धूप था। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आप भी आ गए नीचे हैं? आप भी नीचे आ गए? दाना खाने आया? तो दाना उस तरफ पड़ा हुआ है, आपने रुख इस तरफ किया हुआ है, वो आपकी मामा उधर बैठी हुई है। क्या बात है, मैं किधर जाने लगा उड़ के। चलो खाओ, मैं पीछे हट जाता हूँ, खाओ आप। यहाँ पे ये चारा खा रहे हैं, और जो दाना बचा हुआ था कोली के अंदर जो नहीं खाते ही है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, छल्ली वगैरह, और बाकी कबूतर हमारे ये ऊपर खा पी रहे हैं। ये सारे इधर नीचे आ गए हैं, ये देखिए ना। आप सबको याद होगा वो वाला कबूतर हमारा कितना बीमार हो गया था, उसकी दुम्बी हमने काटी थी, और माशाल्लाह से देखे वो बिल्कुल फिट फाट है। ये चेक करें इसको, कल मैंने देखा है कि माशाल्लाह से बिल्कुल अब बेहतरीन है, माशाल्लाह से दुम्बी इसकी पूरी हो गई हुई है, बिल्कुल ठीक हो गया। वह वो किधर गया बच्चा, मुझे उसकी ही टेंशन है। ओए वापस आ गए ऊपर, वाह खुद ही आ गए हैं, इतना उड़ लेते हो अब। भाग गया अंदर, ये अभी डरता है मुझसे, इसकी दोस्ती नहीं अभी मेरे साथ हुई, इसकी मामा की दोस्ती है, इसकी नहीं है दोस्ती। इसको भी मैंने आके उठाया कि दाना खाए नीचे आके, ऊपर बैठी रहती है। ओए तू इंसान बन जा, इंसान तो बन ही नहीं सकता, तू टर्की से ही बन जा, क्यों मारते रहते हो मुर्गियों को, हैं? मुर्गियों को कह रहा हूँ, कबूतरों को, हर चीज़ उल्टी हो रही है। ये पता नहीं क्यों अब कबूतरों का दुश्मन बन गया हुआ, जितना कि छोटा सा यहाँ पे पला है इनके अंदर ही बड़ा हुआ ये, तो ये इन्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये भी मारता, इतना खा नहीं रही जितना नीचे गिरा रही है। यार आप खाते वक्त नीचे क्यों गिराते हैं, क्या वो पसंद नहीं होता दाना जो नीचे फेंकते जाते हैं? एक दाना मुंह में डालना है और बाकी सारा नीचे गिराना है। हाँ जी,
ऊपर नहीं जगह मिली, नीचे आके खाना शुरू हो गया। ऊपर से पहले नीचे गिराना है और फिर नीचे आके खुद ही खाना। यहाँ पे हम देखें माशाल्लाह से जी ब्यूटीफुल हो रही है। ये देखिए दो अंडे इनके नीचे हैं और दो अंडे इसके नीचे हैं और ये माशाल्लाह से फुल ड्यूटी दे रही है। और यहाँ पे क्या सूरत हाल है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है किसी ने डेरे लगाए हुए हैं। नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा किंग और एक उनकी उस फैमिली का बच्चा ये वाला जनसा है, ये आके बैठे होते हैं। तो मुझे लगा शायद इन्होंने यहाँ पे नेस्टिंग वगैरह की है। जो हमारी नई पौध निकली है इसका अभी तक कोई पेड़ नहीं बना। ये दोनों बच्चे और दो उनके बच्चे, चार बच्चे, ये वो नीचे हैं इधर बच्चे, चार बच्चे बड़े हो गए हुए हैं लेकिन अभी तक इनके आपस में पेयरिंग नहीं बनी। वो देखिए टर्की ने किस तरह से अटैक किया इसके ऊपर, अभी तक इनकी पेयरिंग नहीं हुई। अब देखिए कब ये किसके साथ पेयरिंग करते हैं। वो आया बब्बर शेर, ये ऐसा शेर है जो अपने से छोटे कबूतरों से डरता है। इनकी आवाज बहुत प्यारी है बोलने की। ये मेरा शहजादा, ये तो मेरा शहजादा है, क्या है, क्यों भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो, हैं? फिर मुझे याद करवाना पड़ता है कि आप तो मेरे शहजादे हो। अली जी भूख लगी हुई है उसको, अभी वाकफियत वाला कोई चक्कर नहीं। मैंने टर्की के बच्चे को ऐसे लटाया और इसके रिएक्शन चेक करें इसके बाप के। ये दोनों अग्रेसिव होके ना माँ बाप मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये चेक करें, पूरे इस वक्त इसने अपने पार खोले हुए हैं, इसने भी और इसकी उधर बीवी ने भी, जिनका ये बच्चा है उसको मैंने तो लटाया हुआ और ये पूरा मतलब दोनों इस तरह से हुए हुए हैं कि मेरे पे इन्होंने अटैक करना। ये जो सिलेंसर उतार के बाइक चलाते हैं ना, मुझे इन पे बड़ा गुस्सा आता है। ये देखें, ये चेक करें, ये फीमेल है और ये भी इसी तरह से होती है जब ये अटैकिंग पोजीशन में आती है। ये अपने बाल इस तरह से जिस तरह से मेल ने किए हुए ना इस तरह से कर लेती है। और ये दोनों इस वक्त परेशान है कि इनका बच्चा इधर ऐसे क्यों लेटा हुआ, और इसको मैंने ऐसे लटा दिया और ये चुप करके लेट गया यहाँ पे ना। और ये देखें, ये पूरे अग्रेसिव हुए हुए हैं दोनों। खाला इनकी इसकी इधर खड़ी होकर देख रही है और अम्मा अब्बा दोनों जो उनसे ना फुल इस वक्त इस पोजीशन में है कि मेरे पे हमला कर दें। मैं थोड़ा पीछे होकर इसके बच्चे को उठाता हूँ। बच्चा उठ के गया उनके पास और मांस को देख रही है। पूछ रही है उससे, ठीक है तुम? दोनों इस तरह से अटैकिंग पोजीशन में आ गए थे कि मेरे पे अटैक करेंगे। मेरे पे अटैक करना है, मेरे पे अटैक करना है। इधर आओ मैं सही करूं तुम दोनों को, मेरे पे अटैक करना चाह रहे हो। काम चेक करें इनके, गुस्सा नहीं खत्म हो रहा है इसका कि बच्चे को पकड़ा क्यों है। देखिए अपने बच्चे के पीछे पीछे जा रही है। आज धूप बहुत तेज है, आज मैं कुछ लेट हो गया, पट्टे लेने गया हूँ वहां पे घास जब ये लूसन, तो वहां पे वो अभी आया नहीं था लूसन। तो तकरीबन मैंने आधा पौना घंटा वहां पे बैठ के वेट किया। वो आधा पौना घंटा वेट करने की वजह से जो सा ना धूप ज्यादा हो गया और ये फुल भूखे हुए हुए थे जब मैं आया हूँ। ये देखिए इनके काम चेक करें। हाँ जी क्या बात है, ये देखो वो देखो इतने गंदे हुए हुए, इतने मैले हुए हुए हैं। ये बहुत मासूम जानवर है, यकीन करें इससे मासूम जानवर मैंने नहीं देखा। एक कबूतर और एक ये बहुत मासूम होते हैं। जो मर्दी आगे ने मार दे, ये बेचारे अपने डिफेंस में भी नहीं कुछ करते। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाक हम सबके जानो माल में बरकत डाले। मिलेंगे इसी तरह कल आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ।
बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत है अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।